हम एक दूसरे के भाई है, मतलब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतना प्यार हमारे में है। तो वो भी सपोर्ट करता है, मैं भी, ये हर कोई करता है इंडस्ट्री में सपोर्ट एक दूसरे को। बट वो एक्टर बहुत अच्छे हैं और एज ए इंसान भी मैंने वो देखा है, वो सबको फाइट दे रहे, तो होपफुली वो जीते। वो सुम्बुल की बात करो, सुम्बुल की बात करो जी, मैं अगर सिम्बुल जी की बात करूँ, क्या कह रहे थे, खतरों खिलाड़ी की बात कर रहा था, कैसे खेल रहे हो ग्रेट भाई? अगर बात करो दोस्ती पर गाना आया था बिग बॉस के दौरान, आपको अपनी मंडली याद आती है दोस्तों की कभी अगर दौर जाए तो, कैसा लगता था वो, क्या याद आता है अक्सर? यार अभी भी वैसी ही है वो, मतलब हम, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जताने की ये नहीं होता है, बट सब वैसी दोस्ती है, वैसे निभाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के जरूरत हो वहाँ पे खड़े रहते हैं। भाई क्या लगता है इस बार बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर बात करूँ इस बार होस्ट की, अनिल जी होस्ट करें, क्या लगता है वो कितना सलमान जी को मिस कर रहा है अपनी होस्टिंग के दौरान? मैं देख ही नहीं रहा हूँ, फॉलो नहीं कर रहे। और खतरों खिलाड़ी की अगर बात करूँ तो वो सुम्बुल की बात करूँ, सुम्बुल की बात करो जी, मैं अगर सुम्बुल जी की बात करूँ, क्या कह रहे थे, खतरों खिलाड़ी की बात कर रहा था, कैसे खेल रहे हो भाई? जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा था, क्या इस बार का बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? नहीं यार, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ रील्स उसमें देख रहे हो? नहीं यार। एक बात, नेजी को कुछ जानते हो? थोड़ा नेजी की जानते हो, नेजी को पूरा मुंबई सपोर्ट कर रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? यार मैंने नाम सुना था, एज अ पर्सन मुझे नहीं पता था, पर अभी देख रहा हूँ मैं, कुछ अलग अलग सा। और विशाल को, विशाल और कटारिया के बारे में कुछ जानते हैं बिग बॉस के अंदर जो अभी? नहीं यार। अच्छा, खतरों खिलाड़ी के कंटेस्टेंट जो अभी गए हैं उनके बारे में कुछ बता पाएंगे? शालीन भी गए हैं जिनके लिए आपने, जो उनको बिच्छू पे जो कमेंट किया था जब वो एयरपोर्ट पर आया, मैंने उनसे कहा कि यार शिव भाई ने आपके लिए बिच्छू पे अच्छा कमेंट किया था, तो उन्होंने कहा यार वो मेरा भाई है, हमेशा मेरी केयर करती है। हम एक दूसरे के भाई है, मतलब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इतना प्यार हमारे में है। तो वो भी सपोर्ट करता है, मैं भी, ये हर कोई करता है इंडस्ट्री में सपोर्ट एक दूसरे को। भाई एक बार बताइए, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? क्या लगता है इस बार काफ़ी सारे कंडीशंस अंदर है। मुझे मुझे लगता है कि यार सना मकबूल या फिर वो जो हमारा एक्टर है रणवीर बाजी ना जी, मुझे लगता है दोनों। अभी मेरे को क्लिप के थ्रू ही पता चल रहा है, मैं देख तो नहीं रहा हूँ, बट वो एक्टर बहुत अच्छे हैं और एज ए इंसान भी मैंने वो देखा है, वो सबको फाइट दे रहे, तो होपफुली वो जीते। जिस तरीके से आपने उनकी बात की, उन्होंने कहा था शो पे आके भाई मेरे पास कपड़े नहीं, और शहनाज गिल ने उन्हें कपड़े गिफ्ट दिए शो पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब ये चीज़ फोकस ही मत करो, कपड़े नहीं और किसी ने कपड़े दिए, ये चीज़ जीतने के लिए काम नहीं आएगी ना, सिंपथी उन्हें चाहिए। वो इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है, उस काम को अगर फोकस करोगे, या फिर बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो मैंने शो नहीं देखा है पर मैंने क्लिप के थ्रू मेरे तक आ गया हो, तो मुझे लगता है उस चीज़ों की वजह से वो जीतना चाहिए। कपड़े नहीं दिए तो वो सिंपल सी चीज़ है, मतलब उनके उम्र के जो मेरे घर के लोग हैं वो भी कपड़ों को इतना मायने नहीं रखते। हम लोग होते हैं कि जो पागल कपड़ों को मायने रखते हैं, लोगों को कम रखते हैं, वो जो लोग हैं वो लोगों को मायने रखते हैं, कपड़े उनके लिए कुछ भी नहीं है। भाई जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट दिया, मैं आपसे जानूं, कहीं ना कहीं आप सोशल एक्टिविटी से हमेशा कनेक्टेड थे, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है आपकी स्टोरी पर अक्सर दिखता है, चाहे फिर वो पुणे वाला इंसिडेंट हो या किसी बच्चे को लेकर कुछ हुआ हो, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में, आप कितना एक सोशल अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं? यार मुझे लगता है लोग हमें अगर फॉलो करते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम झगड़ा एग्रेशन एक शो में था ठीक है, बट अगर आप कुछ चीज़ें, आपको टीनेजर भी फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी स्टोरी पे लगाओ, शायद उससे दो लोग भी कुछ उनके काम आ जाए, किसी को हेल्प हो जाए, तो वो इंस्टाग्राम और वो सोशल मीडिया आपका मतलब कुछ वर्क वर्थ है। नहीं तो यार किसी को कुछ हम फोटो डाल रहे हैं, हमारी चीज़ें डाल रहे हैं, हमारे मतलब की डाल रहे, वो लोग क्यों फॉलो करेंगे? मैं चाहता हूँ कि हमारे इसमें अगर मैं एक स्टोरी डालूँ जिसको कुछ मदद हो जाए तो फिर उनका फॉलो करने का कुछ मायने रखता है। मैं आखिरी के दो साल बस आपसे जानूंगा, आप बप्पा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके अक्सर आप फोटोज डालते थे, देखते हो, आप उनको बहुत मानते भी, अभी मुंबई में चालू होने वाला गणपति, उस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? यार वो उत्सव है, जैसे मुंबई में, पूरे इंडिया में हमारे अलग अलग उत्सव होते हैं, वो एक उत्सव है जो मैं अकेला नहीं, वो गणपति बप्पा बोलने के बाद ही अभी से तैयारी चालू हो गई, मूर्ति बुक करना चालू हो गया है, ढोल ताशों का रिहर्सल चालू हो गया है, वो एक अलग उत्सव और मेरा वो फेवरेट है, उसमें नाचने के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है और 10 दिन पापा मेरे घर रहते हैं। भाई लास्टली जाते थे अपने फ्रेंड्स फैमिलीज, आपकी वाइफ जो देख रही है, क्या कहना चाहिए? क्या वाइफ क्या भाई, ये रिपोर्टर लोग कुछ भी बोल देते हैं और हम उस पर कुछ जवाब देंगे ना, उस पर कुछ हो जाएगा, वाइफ को क्यों बोलेंगे यार, किसी के दूसरों के वाइफ पे हम क्या बोलेंगे? आपकी मेरी वाइफ किधर से आई भाई, क्या भगवान, मैं बोला सब खुश रहो, मजे करो, एक दूसरे की मदद करो, और क्या यार गणपति बप्पा मोरया, बस थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।